वेलकम टू द आशिमा शो। आप सब ने अपनी लाइफ में एग्जामिनेशन हॉल का एनवायरनमेंट होता कैसा है जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, और आपको ये महसूस हुआ होगा कि उस हॉल में पंखे की आवाज के अलावा बस एक और आवाज सुनाई देती है, और वो है जब कोई खांसता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो आवाज उस शांत कमरे में गूंजती है। प्री कोविड में तो ये चीज नॉर्मल थी, पर क्या ये पोस्ट कोविड में नॉर्मल होगा जब आसपास स्टूडेंट्स बैठकर एग्जाम दे रहे होंगे? नहीं ना। तो भी देश भर में यही बहस चल रही है सरकार और स्टूडेंट्स के बीच कि क्या कॉलेज के एंट्रेंस के एग्जाम अभी कंडक्ट होने चाहिए या नहीं। अभी फिलहाल सरकार का कहना है कि NEET यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम, जो पूरे देश में मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए होता है, और दूसरा JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो IIT और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता है, उसे कंडक्ट करवाना ही स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में होगा। आपको बताऊं तो नीट में 16 लाख और JEE में लगभग 9 से 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। ये एग्जाम्स हर साल अप्रैल मई के महीने में होते हैं। इस साल कोविड पेंडेमिक की वजह से इन एग्जाम्स को ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन किया गया है। अभी के डिसीजन के अकॉर्डिंग IIT के एग्जाम्स 1 से 6 सितंबर तक करवाना प्लान्ड है, और नीट के एग्जाम की डेट 13 सितंबर रखी गई है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स इस डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और कुछ हफ्तों पहले स्टूडेंट्स परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को एक ही झटके में इस अपील को खारिज कर दिया। और इस सिचुएशन की आयरनी देखिए कि जो कोर्ट बच्चों को एग्जाम देने को बोल रही है वो अभी भी वर्चुअली ऑपरेट कर रही है, यानी कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये डिसीजन दिया गया था। अब बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट का ये डिसीजन ठीक है। सबसे पहली बात, ऑन वन हैंड हम लोगों को घर पर रहने को बोल रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड वी आर आस्किंग 25 लाख स्टूडेंट्स टू गिव देयर एग्जाम्स। ऐसी कंडीशन में जब इंडिया इज द 3rd वर्स्ट हिट कंट्री इन द वर्ल्ड, और जहां हर दिन 70,000 कोविड के नए केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। फैक्ट तो ये है कि कोरोना पेशेंट्स एग्जाम एस्पिरेंट से भी ज्यादा हो चुके हैं, और अब तो ट्विटर पे भी इन एग्जाम्स के अगेंस्ट स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट ट्रेंड कर रहा है। अब सरकार ऐसे टाइम पर अपने SOP की बात करती है कि हर प्रिकॉशन फॉलो किया जाएगा, पर क्या ऐसा पॉसिबल होता है? थर्मल स्कैनर की बात करें तो अगर टेम्परेचर हाई है तो ठीक है, पकड़ में आ जाएगा, पर ये काफी बार प्रूव हो चुका है कि ये टॉय से कम नहीं है, क्योंकि सभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को इसे आइडेंटिफाई किया नहीं जा सकता, ऑल्सो बिकॉज सम ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक। और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सोशल डिस्टेंसिंग इज अ मिथ। एग्जाम के टाइम पर तो क्योर्स होता ही है। अभी हाल ही में जो स्टेट्स में कुछ एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उससे साफ प्रूव हो गया है, क्योंकि वहां क्योर्स भी हुआ और एग्जाम के बाद स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव भी। तो इसलिए ये एक बेंच छोड़कर स्टूडेंट्स को बिठाना ही सब कुछ नहीं है। सरकार अगर ये चाहती है कि इस साल और अगले साल के स्टूडेंट्स का टाइम खराब ना हो, तो सेमेस्टर के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, जैसे कि छुट्टियां कम करके और सिलेबस छोटा करके, ताकि 2021 अगस्त तक 2 सेमेस्टर खत्म कर लिए जाएं, जिससे कि नेक्स्ट ईयर का शेड्यूल भी एटलीस्ट डिस्टर्ब ना हो। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अबव ऑल सबसे बड़ा और सीरियस इशू विच इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर फैमिली में से किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल्स की वायरल वीडियोस तो हम सब इतने महीनों से देख ही रहे हैं। और हमारा फैमिली सिस्टम जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिसमें हमारे साथ ग्रैंड पेरेंट्स एंड न्यू बॉर्न या छोटे बच्चे साथ में रहते हैं, जो कि अगर इस वायरस से एक्सपोज होते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एक और सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि करंटली देश के काफी जगहों पे जो घरों के बाहर रोडवेज थे वो वाटरवेज बन गए हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पे एग्जाम सेंटर्स भी नहीं होते, कुछ स्टूडेंट्स को 200 से 500 किलोमीटर तक का ट्रैवल करना पड़ता है एग्जाम सेंटर तक आने के लिए। और ये हम सब जानते हैं कि फिलहाल बाकी नॉर्मल रूटीन्स की तरह बसेस और ट्रेन्स काम नहीं कर रहे हैं, और प्राइवेट व्हीकल्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या देश अब पलायन बाय स्टूडेंट्स देखने के लिए तैयार है? क्योंकि स्टूडेंट्स की तो मजबूरी है, ये ही नहीं सेंटर जब दूर हो तो दूसरे शहर में जाकर रहना and keeping all the precautions at the time of pandemic is actually not possible. अभी आपको ये चीज बता दूं कि students exam देने से इनकार नहीं कर रहे, बस कोरोना की वजह से सितंबर में exams नहीं चाहते। अब बात करते हैं कि इन exams का postpone होना क्यों जरूरी है।
अभी की सिचुएशन के हिसाब से सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंस एग्जाम्स को दी जा रही है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और सेंटर्स बहुत कम हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, बिहार जैसे इतने बड़े स्टेट में बस दो ही एग्जाम सेंटर हैं। अबव ऑल आई ऑल्सो थिंक कि अगर पेंडेमिक के टाइम एग्जाम कंडक्ट करवाए गए तो शायद इक्वल अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को नहीं मिल पाएगी। एक बच्चा सिटी में रहता है और प्राइवेट कार अफोर्ड कर सकता है, वहीं दूसरा बच्चा रिमोट एरिया में रहता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट है। विल कंडक्टिंग एग्जाम्स बी फेयर? मैं तो नहीं मानती। मुझे तो लगता है कि अब ये फिर से एक ऐसी चीज है जो गरीब लोगों को ज्यादा इफेक्ट करेगी। दे विल बी लेफ्ट अनहर्ड। इसके बाद एंट्री करते हुए तो चलो मान लिया कि कुछ सेंटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा और शायद पॉसिबल भी हो, लेकिन एग्जिट के टाइम क्या आपको लगता है ये चीजें फॉलो हो पाएंगी? कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर्ड एरियाज वाले स्टूडेंट का क्या होगा? क्या एग्जाम देने से पहले ही वो ये मान ले कि वो फेल है या फिर नॉट एलिजिबल है? बहुत से पेरेंट्स तो ऐसे भी होंगे जो अपने बच्चों को एग्जाम देने की परमिशन ही ना दें क्योंकि वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों को रिस्क पर नहीं डालना चाहते। एक एग्जाम्पल यूएस का हमारे सामने है। कुछ हफ्तों पहले स्कूल खोले गए और हजारों में स्टूडेंट्स कोविड इन्फेक्टेड हो गए, और इंडिया में तो जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि SOP कहीं भी ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा, जिससे कि तो क्लियर है कि वायरस के फैलने के चांसेस बहुत हाई हैं इन एग्जाम्स के कंडक्ट होने से। अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की। स्टूडेंट्स अपनी मांग पर कायम है और सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, और इस सिचुएशन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एग्जाम कैंसिल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, एक्सपेक्ट बस इतना किया जा रहा है कि जब तक एक सेफ और रिलायबल SOP नहीं आ जाती तब तक वेट करना इज वर्थ इट, और जब तक एग्जाम सेंटर्स का नंबर नहीं बढ़ाया जाता तब तक। कुछ स्टेट्स ये कह रहे हैं कि एग्जाम सब कोरोना और फ्लड सिचुएशन ठीक होने के बाद एक सही तरीके से प्रोसीजर के साथ करवा देंगे। अभी तक तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ठान रखा है कि प्रशांत से अपॉलॉजी और स्टूडेंट से एग्जाम्स लेकर ही रहना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट दे चुकी है, पर फिर भी डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी सरकार के हाथों में है। क्या आपको भी यही लगता है कि बच्चों का इसके अगेंस्ट खड़ा होना सही है? क्योंकि जब रेलवेज बंद है, पार्लियामेंट बंद है, तो बच्चे ही क्यों अपनी लाइफ को रिस्क पर डाले? तो दोस्तों ये थी मेरी राय। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।